कनाडा में बैठे खालिस्तानी चरमपंथी बड़ी साजिश रच रहे हैं। कनाडा के भारत विरोधी रवैये के चलते इन चरमपंथियों को बड़ी शह मिल रही है। ये साफ है कि काफी समय पहले से ही भारत के खिलाफ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानी संगठनों को आईएसआई का साथ मिला हुआ है। अब जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाली खालिस्तान समर्थित रैली में हिंसा हो सकती है। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों ने 25 सितंबर को भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। चरमपंथियों की योजना के खुलासे के बाद कनाडा में तैनात भारतीय डिप्लोमेट को खास तरह से सावधान रहने को कहा गया है। कनाडा के होने वाले इस हिंसक प्रदर्शन के चलते कनाडा में तैनात भारतीय डिप्लोमेट को खास तरह से सावधान रहने को कहा गया है। दरअसल दोनों देशों के रिश्तों में तनाव को देखते हुए कनाडा के ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर झूठे इल्जाम लगाए, साथ ही भारतीय राजदूत को कनाडा से निष्कासित कर दिया। इसका असर भारत में भी देखने को मिला और कनाडा के राजदूत को साउथ ब्लॉक बुलाकर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर भी पलटवार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर खालिस्तानी चरमपंथ को पनाह देने वाले कनाडा को अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दी है, साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा। खुफिया एजेंसियों के हवाले से कई और भी बड़ी जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि कनाडा में रह रहे 20 से ज्यादा खालिस्तानी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर कनाडा से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। भारत ने कनाडा को 9 ऐसे खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की लिस्ट दी थी जो कनाडा में रहकर लगातार पंजाब में हिंसा और आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। भारत ने पहले भी ऐसे सभी खालिस्तानियों की लिस्ट कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन से साझा की थी, जो लगातार भारत के खिलाफ विदेशी जमीन से साजिश रच रहे हैं। इसके बावजूद ये सभी सरकारें भारत की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से बचती रही हैं। ये भी साफ है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने देश के खालिस्तान समर्थित पार्टी के दबाव से चलते और अपनी सरकार को बचाने के लिए भारत पर उल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कनाडा के पीएम ट्रूडो के पास सबूत हैं, तो उन्हें दुनिया को बताना चाहिए। He says that he has evidence. Let him present that evidence in front of the international community. At the end of the day, he claims that it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete. Because he has now preempted the findings of the investigation. That said, if he has evidence to support the claim that he has made, then I would humbly suggest to him that he suggest this evidence, that he share this evidence with the international community. इससे पहले भी ये खबरें सामने आती रही हैं कि खालिस्तानी चरमपंथियों को विदेशों से समर्थन मिल रहा है, कई देशों से पैसा और हथियार की मदद मिलती रही है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावासों में तैनात आईएसआई के एजेंट इन देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों की फंडिंग कर रहे हैं। भारत के खिलाफ कई देशों में हाल फिलहाल में हुए प्रदर्शनों के पीछे भी आईएसआई का हाथ माना जा रहा है। निज्जर के भी कई बार पाकिस्तान जाने की खबर मिली थी। जाहिर है कनाडा में पीएम ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों को जिस तरह से मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सियासी रणनीति की ही एक चाल कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।